नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर के साथ। हल्द्वानी में आज प्रशासन और नगर निगम ने सिंधी चौराहे में चौरीकरण को लेकर एक बड़ा अतिक्रमण अभियान शुरू कर दिया है, जहां भारी पुलिस फोर्स के साथ सिटी मजिस्ट्रेट विचार सिंह और मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने अभियान चलाते हुए जेसीबी से अतिक्रमण तोड़ा। बता दें, मंगल पड़ाव के सिंधी चौराहे से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान नगर निगम की टीम ने अस्थायी अतिक्रमण को मौके पर हटा दिया, साथ ही अतिक्रमण कर लगाया गया सामान भी जब्त किया। इसी के साथ ही सिंधी चौराहे में चौरीकरण के प्रस्ताव के मुताबिक दोनों तरफ 12 मीटर निशान भी लगाए गए। हल्द्वानी के बाल संप्रेक्षण गृह में रह रही नाबालिग किशोरी ने घर जाने को लेकर रेप की झूठी कहानी रची, जहां महिला कल्याण विभाग की टीमों ने जांच की, जिसके बाद संप्रेक्षण गृह में कार्यरत अनुसेवक को निलंबित कर होमगार्ड को विभाग में लौटा दिया था। वहीं गुरुवार को पुलिस बहुउद्देशीय भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसएसपी नैनीताल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है और आखिर में किशोरी से दुष्कर्म के आरोप पुलिस की जांच में झूठे पाए गए। वहीं अब पुलिस ने फाइल रिपोर्ट लगाकर केस बंद कर दिया है। हल्द्वानी में भी गुलदार की दस्तक देखने को मिल रही है। आपको बता दें, हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित हरिपुर जामन सिंह क्षेत्र में लगातार गुलदार का आतंक जारी है। मिली जानकारी के अनुसार कल रात भी क्षेत्र में गुलदार की मूवमेंट देखने को मिली, जिसके चलते स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और ऐसे में आज वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त लगानी शुरू कर दी है, ताकि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ा जा सके। नगर निगम की ओर से हल्द्वानी के विभिन्न वार्डों में करीब 76 लाख की लागत से सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है, जिसका जिम्मा ठेकेदारों को दिया गया। वार्ड 56 मानपुर के गोपालजी बिहार में भी निगम ने करीब 15 दिन पहले एक ठेकेदार से 100 मीटर सड़क पर डामरीकरण कराया, लेकिन काम पूरा होते ही सड़क में 4 से 5 गड्ढे बन गए। इसकी शिकायत नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय तक पहुंची। उन्होंने निगम की टीम को भेजा और जहां जांच की, तो वहीं जांच के लिए पहुंची टीम ने जेसीबी से सड़क की खुदाई की और साथ ही ठेकेदार को पुराने बजट पर ही सड़क सुधारने को कहा। हल्द्वानी में आज नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस बल के साथ संयुक्त अभियान में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। बता दें, शहर के नैनीताल रोड पर सिंधी चौराहे से चिन्नी चौराहों के साथ मंगल पड़ाव तक, लेकिन इस अतिक्रमण के दौरान लोगों को जाम की मुश्किलों से भी सामना करना पड़ा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी। हालांकि पुलिस प्रशासन यातायात को सुव्यवस्थित करता हुआ दिखा, लेकिन बड़ा अतिक्रमण अभियान होने के चलते लोगों को घंटों जाम में जूझना पड़ा। फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।